जी बिल्कुल, कहा जाता है पानी जिंदगी है और इंसान के जिस्म का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्योरेट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के प्रोडक्शन यूनिट में, हमारे साथ मौजूद हैं एहसान इलाही ज़हीर, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो पानी की क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि हुकूमती वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी शहर में मुख्तलिफ मकाम पर नस्ब हैं। इस वक्त हम जो है वो प्योरेट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से जो पानी तैयार होकर प्रोडक्शन होकर शहरियों तक पहुंच रहा है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी का जो है वो जानेंगे। वो कैसे जरिए में बताएगा, यहाँ पर जो प्योरेट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की प्रोडक्शन हो रही है उस पानी की क्वालिटी क्या है, और यहाँ पर जो मशीन है, मिनरल्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, जो भी प्लांट लगाया जाता है उसके अंदर जो उसका उसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो उसके फिल्टर्स होते हैं वो एक टाइम प्रोसेस के बाद तब्दील करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो आप हुकूमती आपने बात की वो एक ही दफ़ा नसब किए जाते हैं, उसके बाद उनकी तब्दीली नहीं होती, जिसकी वजह से पानी का जो TDS लेवल है वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और वो एज ए मिनरल वाटर नहीं होता। हमने जो यहाँ प्लांट लगाया, मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास यहाँ पे जो है 4 किस्म के पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं जो इस पानी के अंदर जो है डोज किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, और दूसरा जो हमारा ये जो प्लांट है पूरा अगर आप देखें तो इसमें ये रॉ वाटर लेकर हम इसको पहले प्योरीफाई कर रहे हैं, प्योरीफाई होने के बाद इसके अंदर मिनरल डोज किए जा रहे हैं, और मिनरल डोज होने के बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम इसके अंदर ओजोन लेयर डालते हैं, जिससे जो पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। और ये जो पानी है हमारा प्योरिट का, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप फील करेंगे कि खाने वाले में इससे ज़्यादा प्योर वाटर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं, और हमारा ये जो पानी है ये पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम तर जो हिफाजती और जो मियारी तकाजे हैं उनको पूरा करके एक लाइसेंस शुदा पानी है जो हम खाने वाले में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जैसा कि हमें पानी की क्वालिटी के बारे में तो बता दिया, बिला शुबा आपका पानी यकीनन तमाम जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट से अच्छा होगा। आप ये बताएं कि जो मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमती वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं या नीम सरकारी जो प्राइवेट लोगों ने अपने घरों में लगाए, वहाँ पर ये इत्तलात भी मिली है कि लोग मोटर से पानी भरकर जो रिफिलिंग करके लोगों के घरों में पहुँचा देते हैं, उस पानी को पीने से शहरियों को क्या बीमारियाँ लाहक होती हैं, वो भी ज़रा देखें। जो इस वक्त हमारे पानी का ये जो TDS लेवल होता है, खाने वाले के जो पानी का TDS लेवल है, वो मुख्तलिफ मकाम से लेने के बाद उसका अंदाज़ा ये लगाया गया कि वो 1000 से 1100 तक है, लेकिन जो एक इंसानी सेहत के लिए TDS लेवल रिक्वायर्ड है वो 170 से लेके 220 तक है। अब होता ये है, जब मिनरल वाटर प्लांट जो नसब किया जाता है किसी भी इलाके में, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्राइवेट तरफ से हो, वो शुरू में तो उसकी जो प्रोडक्शन आती है वो 200 के आसपास आती है TDS लेवल की। फिर उसके जो जो फिल्टर्स हैं जिन्होंने पानी को फिल्टर करके TDS लेवल को डिक्रीज़ करना होता है, वो फिल्टर्स एक माह के बाद, दो माह के बाद एक रिक्वायरमेंट है कि आपने इतने लीटर पानी अगर उससे निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो वो चेंज होने होते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली हैं, वो चेंज नहीं होते। उसके बाद जब आप फिर जो पानी प्योरीफाई होता है वो 0 TDS पे जाके होता है, पानी एक दफ़ा अपनी प्योर फॉर्म से 0 TDS पे जाता है, उसके बाद उसके TDS बढ़ाए जाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वो TDS इस तरह बढ़ाए जाते हैं कि उनमें मिनरल डोज किए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये 4 मेन मिनरल्स हैं पानी के जो इसमें डोज किए जा रहे हैं, उसके बाद इसका जो मिनरल जो TDS लेवल है वो 170-200 के आसपास जाके बनता है। और उसके बाद उसके अंदर ओजोन लेयर से जो उसके बैक्टीरिया रह जाते हैं वो बैक्टीरिया किल करने के बाद ये एक प्योरीफाई, जिसे आप कह सकते हैं ना, प्योर पानी की जो फॉर्म है वो जाके प्रोड्यूस होती है। तो इस सब के लिए बहुत ज़्यादा केयर ज़रूरी है, ठीक है, इसके लिए ये टाइम मांगता है ये प्लांट, और इसके लिए आपकी लेबर लगती है। तो अब आपने देखा है जितने भी हुकूमती या प्राइवेट प्लांट लगे हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर कोई लेबर नहीं होती, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होती जो इसको डेली बेसिस पे चेक करे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, इसका TDS लेवल बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, तो ये आपको देखना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है। अगर तो प्रॉपरली उन प्लांट्स की भी केयर हो, उनके उनके जो फिल्टर्स हैं वो टाइमली चेंज हो और उनमें मिनरल डोज किए जाए,
है तो वो पानी भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए वो इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल पानी हो जाता है जो आप अपने पंप से जो है पुल करते हैं, वो और प्लांट का इक्वल पानी हो जाता है, क्योंकि उनके दो मिनरल्स उनमें होते नहीं, उनके जो फिल्टर्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, उनकी एक्सपायर लाइफ एक्सपायर हो चुकी होती है, इसलिए वो हम तो वो रिकमेंड नहीं करते कि आप वहाँ से लें, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने जो प्लांट लगाया है इसमें हम फ्री होम डिलीवरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कॉस्ट ऑफ वाटर है वो भी हमने बहुत जो है वो मुनासिब रखी है, ताकि हर घर में हर शख्स तक इसकी रसाई जा सके। जी बिल्कुल, एहसान इलाही ज़हीर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। यकीनी तौर पर प्योरिट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का ये प्रोडक्शन यूनिट शहरियों की सेहत का जामिन साबित होगा, और शहरियों को मुख्तलिफ किस्म की पेट और मैदे की जो है अमराज से बचाने में ये पानी कारगर साबित होगा। यहाँ पर एहसान इलाही ज़हीर जो है वो शहरियों से ये मुतालबा कर रहे थे, ये अपील कर रहे थे कि एक मरतबा उनके जो है प्योरिट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोडक्शन शुदा पानी जो है वो अपने घर मंगवाएं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी आपके घर में पहुँचाया जाएगा वो फ्री होम डिलीवरी होगी, और जो आपको अलग क्वालिटी का पानी मिलेगा उसका जो रेट होगा वो भी इंतहाई मुनासिब होगा। तो मैं भी आपसे ये अपील करूंगा अपने चैनल की अपने टीम के तवस्सुत से कि आप लोग एक मरतबा जो है वो प्योरिट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है वो पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप फ़र्क खुद जो है वो निकाल सकें। शुक्रिया।